हेलो भाई लोग, तो कैसे आप सब लोग? आई होप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। थोड़ा सा गला बैठ गया है मेरा। तो जब ज़िंदगी में गम आते हैं ना, दुख आते हैं, दर्द आते हैं, तो इंसान बीमार भी हो जाता है, गला बैठ जाता है, दुख होता है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम हमारे गले में होती है, ठीक है, सर दर्द वगैरह करता है। तो दुख तो सबको ही है भाई, ठीक है। यूं अंधेरी रातों में जागना पड़ रहा है, रोडों में अकेले भागना पड़ रहा है। जो बंदे मतलब से पढ़ते थे, एग्ज़ाम की तैयारी करते थे, अब उन्हें भी दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या कर सकते भाई यार, अभी तो मतलब से इवनिंग टाइम है, तो 8:30 बज रहे हैं, अकेला आया हूँ, बिकॉज सपने भी है ना, तो उन्हें पूरा करना है, तो अकेले ही दौड़ना पड़ता है। कोई अपना तो साथ देगा नहीं, ठीक है। किस्मत ने ऐसा धोखा दे दिया कि अब बता नहीं सकते हैं। फिजिकल हो गया था, मेडिकल हो गया था, रिटर्न बचा हुआ था, तो अब रिटर्न तो कैंसिल हो गया। जूते उठा लिए, ग्राउंड में आ गए, ग्राउंड तो है नहीं, सॉरी, रोड में आ गए, दौड़ना पड़ेगा। अब जिन बंदों को काफ़ी टाइम से दौड़ रहे हैं, वो तो बहुत आगे हमसे, हमें तो शुरू से शुरू करना पड़ेगा ना। पर कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए भाई। जिन भाइयों का टेस्ट कैंसिल हुआ, जिन्होंने रनिंग छोड़ी थी, उनके लिए कि भाई हिम्मत नहीं हारनी, सब कुछ हो जाता है, डरना नहीं, हौसला रखना। 4:40 वाला भी हिम्मत हार जाता है, बस तू हिम्मत मत हारना। हम भी मतलब से, मैं 1.5 साल हो गई थी रनिंग छोड़े हुए थे, एग्ज़ाम की तैयारी करते थे, पर अब एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, तो अब फिर से दौड़ने पड़ रहा है ना। और जो भाई मतलब से मेरे से पहले दौड़ते थे, वो तो बहुत ही ज़्यादा शूटर है ना, तो अब फिर आँखें भी देखो भाई, मतलब से नींद नहीं आती रातों को, मैं क्या बताऊँ, बहुत कसम से ज़िंदगी इतनी ख़राब हो गई है, मन कहीं पर भी नहीं लगता, ठीक है। पहले पढ़ता रहता था, अब दौड़ता रहूँगा, लाइफ ऐसे ख़त्म हो जाएगी। अब मेरी लास्ट है भर्ती, ये जो अग्नि वीर बनेंगे ना, उसमें मेरी लास्ट भर्ती है यही। तो अगर हो गए इसमें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुए तो फिर कुछ और देखेंगे ज़िंदगी में। काम तो बहुत है, बस करने वाला होना चाहिए, ठीक है, तो कुछ और कर लेंगे, बाकी कुछ नहीं है भाई। आप भी मेहनत करो, एक ना एक दिन सब अपने मुकाम में पहुँच जाएंगे, मैं भी पहुँचाऊँगा। हालत इतनी ख़राब है, मैं बता नहीं सकता, गला पूरा ख़राब है, सिर दर्द। ओवे भाई डर गया, कुत्ता आ गया और माँ कसम होश उठ गया, मैंने क्या आ गया। तो मतलब से सर दर्द वगैरह हो रहा है, ठीक है, और बहुत ही गला दर्द हो रहा है, फिर नींद भी नहीं आ रही है, मतलब से टेंशन वगैरह हो गई है। अभी क्या करेंगे लाइफ में आगे जाके, अगर फौजी नहीं बने तो क्या करेंगे, ऐसी प्रॉब्लम हो गई है। तो अभी यहाँ से, अभी आपने देखा कि भैया सा देख रहा था मैं, कुत्ता गया यहाँ से, अंदर से छल होगी भाई, डर गया एकदम से। अभी तो मतलब से ऐसा है कि जब सुबह के टाइम रनिंग करने जाएंगे, अकेले जाना पड़ता है, जंगल का रास्ता, यहाँ जैसे जहाँ पे मैं बैठा हूँ इसके पीछे जंगल है, ठीक है, तो बहुत दिक्कत होती है। तो अभी तो मैं एक्सरसाइज वगैरह फिनिश करके वीडियो बना रहा हूँ, तो मतलब से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, डर भी लगता है। तो क्या करें, डरना, अपनी लड़कों की किस्मत में डर नाम का कोई है नहीं भाई। और इतना गला दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है गले में, इतना पेन हो रहा है, फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ, बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि मेरे को YouTube से पैसा मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता, मेरे को कोई अर्निंग नहीं है, पर मैं आप सबको मोटिवेट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप हार ना मानो भाई, प्रैक्टिस करो, परफेक्ट बनो, कुछ नहीं होता, सब कुछ हो जाता है, बस प्रैक्टिस चाहिए। अभी मेरा टाइमिंग तो मतलब से वही है, 8 के करीब होगा मे बी, पर एक दिन हम बहुत जल्दी, 2-3 महीने लग जाएंगे टाइमिंग करीब करते करते। तो चलो भाई, बहुत लंबा हो गया आज का वीडियो, ठीक है, पर भाई मैं आपको यही कहूँगा, मैं आप सबके लिए इतने प्यार मोहब्बत से वीडियो बनाता हूँ, मोटिवेट करता हूँ आपको, ठीक है। थोड़ा सा सपोर्ट आप भी अपना दिखा दिया करो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। बाय बाय, जय हिंद, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना और दुआ करते रहना सबके लिए, बस आपके सपोर्ट की जरूरत है और कुछ नहीं है मेरे भाई। एक शेयर, एक लाइक, एक कमेंट और कुछ नहीं जी आपका, बाकी सब फौजी बनेंगे, परमानेंट बनेंगे,
आई होप आप प्रैक्टिस करते रहो। जय हिंद।